वो इश्क ही क्या जिसमें दूरियां ना आए, वो इश्क ही कैसा जिसमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही इश्क है राज और नंदनी का। जी हाँ दोस्तों, राज और रागिनी की सगाई हो रही है और रागिनी नंदनी को कहती है कि जल्द ही मैं अपने राज को अपना बनाकर सबसे दूर ले चली जाऊंगी और तुम्हारा सपना मैं तोड़ दूंगी नंदनी, और तुम कभी भी राज को नहीं हासिल कर सकती। लेकिन ये तो रागिनी का सिर्फ एक वहम है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे प्यार को तो भगवान भी जुदा नहीं कर सकता, इसलिए राज और नंदनी हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। लेकिन ये कैसे होगा और अगले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में पूरे 3 घंटे का समय लगा, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि नागिन से जुड़े हुए हर नई अपडेट से सीधे कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों, फिर लौट आई नागिन सीरियल के हाल ही में एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया, और उस प्रोमो में आपको देखने को मिल रहा है कि नंदनी पहुंच जाती है राज और रागिनी की सगाई में, और पहले से ही रागिनी नंदनी को उकसाना चाहती है। लेकिन आज तो साक्षात महादेव भी नंदनी के साथ हैं, और इन्हीं महादेव ने आज एक नई रासलीला रच दी है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सगाई के फंक्शन में राज आज अपने प्यार का इजहार करने वाला है, और वो भी सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज आनंद ठाकुर के सामने ये कह देता है कि हम इस रागिनी से कोई प्यार व्यार नहीं करते और हमें ये शादी मंजूर नहीं है। ये सगाई तो हम अपने माता पिता के लिए कर रहे थे, लेकिन हमें तो सिर्फ नंदनी से ही प्यार है। नंदनी ही हमारी जिंदगी है और नंदनी ही हमारा सब कुछ है, और हमें सिर्फ और सिर्फ नंदनी के साथ ही रहना है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर आनंद ठाकुर को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आनंद ठाकुर राज का कॉलर पकड़ के कहता है, एक नौकर है तो नौकर ही रहे, अपनी हैसियत मत भूल, और मैं तुम्हें कभी भी उस नंदनी का नहीं होने दूंगा, क्योंकि नंदनी हमारी बिजनेस पार्टनर है। और इसी बोलबाले में आनंद ठाकुर राज को गोली भी मार देगा दोस्तों। लेकिन राज और नंदनी एक होकर रहेंगे महादेव के शिवलिंग के सामने। नंदनी और राज 7 जन्मों कर साथ निभाने का कसम खाएंगे दोस्तों, और वहीं पर राज के माता पिता भी मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर पंचशील बाबा आकर सारा खेल बिगाड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और फिर लौट आई नागिन के नए एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।